Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard English lesson number 1.4 Rarities Musical Plants. Video आपको maximum resolution पे देखना है, मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ ताकि वीडियो आपको क्लियर दिखे, क्योंकि आप लो रेजोल्यूशन पे वीडियो देखते हो तो फिर कमेंट्स आते हैं कि मिस ब्लर है, क्लियर नहीं है. ओके चलिए देखते हैं. मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बनाया था लेकिन उसमें शायद एक पेज नहीं था, फ़ोटो क्लिक करने टाइम पे क्लिक करते टाइम में छूट गया था, इसलिए मैं वापस से यहाँ पे कमेंट पूछा है तो वापस से मैं यहाँ पे ये वीडियो प्रोवाइड करूँ आपको ये चैप्टर. ओके डिस्कसिंग ग्रुप्स एंड शेयर योर आंसर्स विद द क्लास. कैन यू नेम द फेमस म्यूजिशियन इन एम्परर अकबर. उनके दरबार में कौन था जो मिरेकल, मतलब जब वो गाना गाते थे अलग अलग राग में तो एकदम से चमत्कार होता था, मिरेकल्स होते थे. तो तानसेन, वो ऐसे ऐसे गाने गाते थे कि वो दीपक राग जलाते थे तो आग जल जाता था. और कौन कौन से तो होते थे कि कोई ऐसे राग लगाते थे कि जिससे बारिश होने लगती थी. ये ऐसा एक चैप्टर 9th में भी है. वॉट मिरेकल्स कुड ही परफॉर्म विद हिज म्यूजिक. वो किस तरीके के, अच्छा यहाँ पे देखो आया है कि किस तरीके के वो परफॉर्मेंस करते थे. तो यहाँ पे देखो दिया गया है रागा दीपक, जब वो बजाते थे तो उनकी चारों तरफ आग लग जाती थी. अगर वो मेघा मल्हार गाते थे तो बारिश होने लगती थी. इफ़ ही sang an evening raga during day time, the sunlight would diminish and it would look like it was dusk already. और जब वो गाते थे मतलब कि एक ऐसा राग गाते थे कि दिन के टाइम में भी वो शाम हो जाती थी. ठीक है. What impact does music have on human beings? तो इंसानों पे क्या impact डालता है, क्या effect डालता है, तो यहाँ पे देखो दिया गया है. म्यूज़िक इंसान को हैप्पी कर सकता है, सैड कर सकता है. ओके और यहाँ पे देखो दिया गया है मॉर्नफुल, नॉस्टैल्जिक, इस तरीके से अलग अलग इमोशंस जाग सकते हैं इंसान के. ठीक है, ह्यूमन बींग्स के. और ये सूद भी देता है स्ट्रेस से, ये भी दिया गया है यहाँ पे. इट कैन ऑल्सो कन्वे अ लॉट ऑफ इमोशंस लाइक लव, एंगर, दैट मे नॉट बी कन्वेड ईजिली थ्रू वर्ड्स. ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं. डू यू थिंक दैट म्यूजिक कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन एनिमल्स, बर्ड्स एंड इवन प्लांट्स? येस डेफिनेटली, इट हैज़ ऑलरेडी बीन प्रूव्ड बाय जगदीश चंद्र बोस. साइंस में पढ़ा होगा आपने कि प्लांट्स भी क्या करते हैं, म्यूजिक का रिस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जो काउज होती है वो ज़्यादा दूध देती है अगर वो अच्छा म्यूजिक सुने. ओके आर फोकलोर इज फुल ऑफ इंस्टेंसेज ऑफ स्नेक्स स्विंग टू द म्यूजिक प्लेड बाय स्नेक चार्मर्स. जब स्नेक चार्मर्स वो बजाते हैं ना क्या बीन, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से स्नेक भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर अफर्मेटिव ए और नेगेटिव एंड वी मस्ट अवॉइड हर्टिंग अदर्स. येस ये क्या है, अफर्मेटिव, हमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए. शी डिडंट ऑफर मी एनी हेल्प, तो ये क्या हुआ, डिडंट है, नॉट यूज़ हुआ है, तो ये नेगेटिव है. नेवर गिव अप होप, तो कभी उम्मीद मत छोड़ो, तो नेवर यूज़ हुआ है इसलिए नेगेटिव है ये. यू मस्ट कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी, तुम्हें बैड कंपनी से दूर होना चाहिए. ये क्या है, यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आया, नॉट नो या फिर नेवर नहीं आया है, तो असर्टिव है. देर इज़ नथिंग इन द बैग, नथिंग यूज़ हुआ है, तो नेगेटिव वर्ड यहाँ पे आया तो ये नेगेटिव है. एंट्री इज़ प्रोहिबिटेड विदाउट परमिशन, एंट्री प्रोहिबिट किया जाना चाहिए विदाउट परमिशन. प्रोहिबिट मना किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वर्ड नहीं आया, नथिंग, नेवर, नो, नॉट कुछ नहीं आया, तो इसलिए ये भी क्या है, अफर्मेटिव है. चलिए ये ग्रामर का था क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़. अब यहाँ पे देखिए दिया गया है पूरा आपका, फिलिंग द ब्लैंक्स, ऑलरेडी आंसर्स दिए गए हैं. पैसेज यहाँ पे दिया गया है, पैसेज से रिलेटेड यहाँ पे जो टफ वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग दिए गए हैं. अब ये जो पैसेज दिया गया है आपको, ये आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा पूरा. सो रेवती वॉज अ स्टूडेंट, यहाँ से लेके इट स्ट्रक हर एज ऑड, यहाँ तक के सेंटेंस पैसेज से आपको क्वेश्चन आंसर दिया गया है. तो यहाँ पे देखो आंसर दिया हुआ है. आंसर डायरेक्टली दिए गए हैं अंडरलाइन करके. डू यू लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, पर्सनल रिस्पॉन्स है, आपको अपने तरीके से आंसर देना है.
बट यहाँ पे दिया है तो हमें पसंद आता है हम सबको, तो येस में ही देना है आंसर। और यहाँ पे आपको बताना है कि आप क्यों पसंद करते हो, किस टाइप के गाना पसंद करते हो, वो सारी चीज़ें। वॉट डिड रेवती डिस्कवर अबाउट हर बाल्सम प्लांट्स, उसने क्या डिस्कवर किया, हमें पता है उसने क्या डिस्कवर किया कि उसके जो प्लांट्स हैं वो गाना को सुनते हैं। सो रेवती डिस्कवर्ड दैट हर बाल्सम प्लांट्स वर ग्रोइंग वेल एंड लुक्ड हेल्दियर देन द अदर प्लांट्स एंड एट द फार एंड ऑफ द कोर्टयार्ड। शी ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट वेन शी वॉज प्लेइंग हर वायलिन दे वुड मूव देयर स्टेम्स बेंडिंग स्लाइटली टुवर्ड्स हर। कि उसकी तरफ झुकने लगते थे जब वो गाना सुनते थे, ये दिया गया वहाँ पे। एट द अप्रोप्रिएट प्रिफिक्स टू मेक द फॉलोइंग वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग कंटिन्यू पॉसिबल दिया गया है। तो क्या ऐड करना है आपको, प्रिफिक्स ऐड करना है ताकि अपोजिट मीनिंग बनाए। तो कंटिन्यू उसमें हमने प्रिफिक्स यूज़ किया डिस, तो बन गया डिसकंटिन्यू यानी लगातार नहीं होना। पॉसिबल के पहले हमने इम लगा दिया तो इम्पॉसिबल हो गया, तो इन दोनों का इसका ये अपोजिट हो गया, इसका ये अपोजिट हो गया, राइट। चलिए ट्रू फॉल्स का भी देख लेते हैं। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। रेवती का प्लांट जो था वो क्विक रिदम लाइक करता था, फॉल्स। रेवती स्पॉटेड प्लांट्स वर नॉट एज टॉल और हेल्दी एज द अदर बाल्सम प्लांट, ये भी फॉल्स है। द क्योंकि वो तो हेल्दी था ना। द फ्लावर्स ऑन हर प्लांट हैड ब्राइट एंड अनयूजुअल कलर्स, येस ट्रू है ये। रेवतीज मदर हैड नो नॉलेज अबाउट हर प्लांट्स, ट्रू, क्योंकि उसको नहीं पता था उसके बारे में। यूज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, खुद से सेंटेंसेस बनाने हैं ये जो दिए गए हैं। पैसेज नीचे दिया गया है यहाँ पे। आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सब। सेम चीज़ है यहाँ पे भी, प्रिफिक्स का वही डेफिनेट नॉन डेफिनेट का हो जाएगा आपका, जैसे इनडेफिनेट नॉन का अननोन हो गया, सर्टेन का अनसर्टेन, इम्पॉर्टेंट का अनइम्पॉर्टेंट, एकदम अपोजिट हो गया ना। डिस्क्राइब हाउ रेती कन्फर्म्ड हर न्यू डिस्कवरी। सो जब वो अपना फेवरेट ट्यून बजाती थी तो उसके प्लांट्स क्या करते थे, उसकी तरफ झुक जाते थे, जबकि कोई ब्रीज कोई हवा नहीं होती थी फिर भी। हाउएवर व्हेन शी प्लेड अ ट्यून विद अ क्विक रिदम, जब वो क्विक रिदम उसने बजाया, दे टर्न्ड अवे फ्रॉम हर एज दो दे डिड नॉट लाइक वॉट शी वॉज प्लेइंग। जब उसने क्विक रिदम बजाया तो वो प्लांट्स उधर मूव हो गए उसकी तरफ से, यानी उसकी तरफ से हट के उधर मूव हो गए, कि जैसे वो प्लांट्स ये वाला म्यूजिक को नहीं पसंद करते। जब वो उसका फेवरेट ट्यून वापस से बजाई तो वापस से वो स्ट्रेट होके और वापस से झुक गए उसकी तरफ। सो इससे वो कंफर्म हो गया, ऐसे उसने डिस्कवरी की कि उसके जो प्लांट्स हैं उसके गाना को पसंद कर रहे हैं। हाउ द प्लांट्स रिस्पॉन्डेड टू द फास्ट रिदमिक म्यूजिक, जब रेवती ने ट्यून प्ले किया क्विक रिदम तो प्लांट्स दूसरी तरफ मुड़ गए, तो इससे पता चलता है कि वो नहीं पसंद करते हैं उस ट्यून को, क्विक रिदम को। कंजक्शन पिक आउट करना है आपको, तो देखो हर मदर सेड शी न्यू नथिंग, वो नहीं जानती थी कुछ भी उसके प्लांट के बारे में, पॉटेड प्लांट के बारे में। द फ्लावर्स वर पिक एंड ब्राइटली कलर्ड एंड वन ऑफ द प्लांट्स हैड एन अनयूजुअल काइंड ऑफ फ्लावर, आइदर और। तो ये आपका क्या है, कंजंक्शन है जो एड जोड़ रहा है दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को। और यहाँ पे देखिए एंड और वापस से यहाँ पे एंड आया, तो ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, एंड के बाद ये फ्रेजेस को जोड़ रहे हैं, इसलिए कंजंक्शन है। हाउ द प्लांट्स रिस्पॉन्डेड व्हेन रेवती प्लेड हर फेवरेट ट्यून, तो यहाँ पे देखो दिया गया आंसर। ये यहाँ पे पर्सनल रिस्पॉन्स है, खुद से लिखना है। जैसे व्हाई डिड रेवती डिसाइड टू कीप हर न्यू नॉलेज अ सीक्रेट, सो रेवती ने डिसाइड किया टू कीप हर न्यू नॉलेज अ सीक्रेट, परहैप्स बिकॉज शी फेल्ट दैट इट वॉज समथिंग ओनली बिटवीन हर एंड हर बिलव्ड प्लांट्स। देखो रेवती ने डिसाइड किया कि वह ये नॉलेज ये सीक्रेट है, वो जानती थी कि शायद मतलब कि ये सिर्फ उसके और उसके प्लांट्स के बीच की बात है। होम शी कंसिडर्ड हर फ्रेंड, जिसे वो अपना फ्रेंड मानती है, और परहैप्स शी फेल्ट दैट नो बडी वुड बिलीव हर, या फिर उसने ऐसा सोचा कि शायद उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा अगर वो ऐसा मेंशन करेगी। प्लांट भी म्यूजिक लवर होते हैं तो कोई भी इसे समझेगा नहीं।
ये भी रीजन हो सकता है कि उसने सोचा कि सीक्रेट रखते इस बात को। वॉट डिड रेवती डिस्कवर अबाउट हर बाल्सम प्लांट, सेम चीज़ वही कि वो गाने को पसंद करते हैं, ठीक है, उसके फेवरेट ट्यून को पसंद करते हैं, क्विक रिदम को वो नहीं पसंद करते हैं, और गाने सुन के वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेल्दी हो गए हैं, अनयूजुअल कलर ब्राइट कलर हो गए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। चलिए आप यहाँ पे एक बार वापस से देख लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले, और आपको कोई वीडियो चाहिए आप इस तरह से कमेंट में बताते जाइए, आपको सारे मिलते जाएंगे, और आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप देख लीजिए। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है A1 का, यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है। वर्ड्स बताना है किसने कहा और किससे कहा। डू प्लांट्स हैव ईयर्स, तो किसने कहा था, ऑर्गेनाइजर ने। किससे कहा था, रेवती से कहा था। आई नो माई प्लांट्स, ये वर्ड्स किसने कहे थे, रेवती ने कहा था। किससे कहे थे, ऑर्गेनाइजर से कहे थे। ओके चलिए यहाँ पे पैसे दिया गया, देख सकते हैं। व्हाट शॉक डिड रेवती रिसीव ऑन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे के दिन वो क्यों शॉक्ड हो गई। रेवती ने देखा कि उसका जो खोया हुआ प्लांट था वो बेंच पे था, और किसी उसका जो डिस्टेंट नेबर है दूर का उसके नाम से है, ओके, जो कॉम्पिटिटर है। शी गॉट अ शॉक व्हेन शी सॉ दिस, वो शॉक्ड हो गई जब उसने ये देखा। एक्सप्लेन हाउ रेवती प्लान टू कन्विंस द ऑर्गेनाइजर्स दैट द प्लांट्स वर हर्स। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि रेवती ने कैसे ऑर्गेनाइजर्स को कन्विंस करने का सोचा कि ये प्लांट्स उसके हैं। सो रेवती जानती थी कि उसके प्लांट्स म्यूजिक लवर हैं। उसने क्या किया, अपना वायलिन लाई और ऑर्गेनाइजर को उसने प्लान किया कि वो वायलिन बजाएगी, ऑर्गेनाइजर के सामने बोलेगी और उसके प्लांट्स रिस्पॉन्ड करेंगे उसकी म्यूज़िक पे, झुकेंगे उसकी तरफ। दिस वुड कन्विंस, और इससे वो कन्विंस हो जाएंगे और बाकी लोग भी कन्विंस हो जाएंगे कि ये प्लांट्स उसका है। गिव रीजंस, द ऑर्गेनाइजर्स रिफ्यूज टू बिलीव दैट रेवती प्लांट्स वर म्यूज़िक लवर्स। ऑर्गेनाइजर्स ने मना कर दिया ये यकीन करने से कि रेवती के जो प्लांट्स हैं म्यूज़िक लवर हैं। इसका आंसर क्या है, ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि प्लांट्स के कान नहीं होते कि वो म्यूज़िक सुनेंगे, वो दे हैड नेवर हर्ड ऑफ प्लांट्स इन्जॉय म्यूज़िक, उन्होंने कभी नहीं सुना कि प्लांट्स म्यूज़िक को इन्जॉय करते हैं, हैंस दे रिफ्यूज, इसलिए यहाँ पर उन्होंने मना कर दिया कि ये उसके जो प्लांट्स हैं वो म्यूज़िक सुनते हैं करके। एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, सो एट द इसमें क्या करना है, प्रीफिक्स ऐड करना है, प्लेस तो मिसप्लेस, बिहेव बिलीव तो इसका हो जाएगा रेगुलर इरेगुलर, बिलीव का हो जाएगा डिसबिलीव, यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं। तो देखो प्लेस का तो हो सकता है, डिसप्लेस मिसप्लेस दोनों ही दिया गया है, और बाकी के सारे आंसर्स तो आपने देखे, फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यूज़ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू मेक सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। न्यू नो बाउंड्स, माई जॉय न्यू नो बाउंड्स वेन आई सॉ द लिटिल पपी ऑन माई बेड। इसने क्या बोला, माई जॉय मतलब मेरी खुशी, इतना कोई बाउंड सीनरी कोई उस पर वही नहीं रहा जब मैंने, मतलब सारी खुशी की सीमाएं मतलब होती ना ख़त्म, तोड़ दे जाती हैं एकदम आउट ऑफ कंट्रोल आउट ऑफ लिमिट, जब मैंने अपने बेड पे एक पपी को देखा। फ्लैश अक्रॉस वंस माइंड व्हेन सोनम सॉ द टीयर्स इन दियाज आईज, जब सोनम ने दिया की आंखों में आंसू देखा। इट फ्लैश अक्रॉस द माइंड दैट देयर वॉज सम प्रॉब्लम, उसके तुरंत दिमाग में आ गया कुछ तो प्रॉब्लम है। नॉट टू डिटर, इसका मतलब यहाँ पे सेंटेंस बनाया गया है, द लॉस ऑफ अ लेग डिड नॉट डिटर सुधा चंद्रन फ्रॉम डांसिंग, यानी कि नॉट डिटर का मतलब है कभी हार न मानना। उनका पैर जाने के बाद भी सुधा चंद्रन ने डांसिंग नहीं छोड़ी। देखिए सुधा चंद्रन का ये जो है ना, ये सिक्स में भी है, फर्स्ट चैप्टर नेवर गिव अप, वो भी इन पे ही लिखा गया है कि किस तरीके से उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया, भले से उनके पैर कट गए तभी भी उन्होंने डांसिंग नहीं छोड़ी। तो बड़ी बात है ना, क्योंकि पैर पे ही तो हम डांस करते हैं, लेकिन उन्होंने डांस नहीं छोड़ा अपने, उन्होंने फॉल्स पैर पे ही किया। पंक्चुएट द सेंटेंस, दे आस्क्ड हर डू प्लांट्स हैव ईयर्स लाइक आर्स टू एंजॉय योर म्यूजिक। यहाँ पे आंसर देखो दिया गया, दे आस्क्ड हर डू प्लांट्स हैव ईयर्स लाइक आर्स टू एंजॉय योर म्यूजिक। तो यहाँ पे अब क्या करना है, ये यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन कोई भी क्वेश्चन मार्क कुछ भी नहीं दिया गया। दे आस्क्ड हर, उन्होंने उससे पूछा, तो कॉमा आ जाएगा पूछा, और जब पूछना स्टार्ट किया, जब ये स्टेटमेंट चालू हो रहा है तो डबल इंटरवल कॉमा में आएगा, और क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आएगा, और लास्ट में आपको इंटरवल कॉमा क्लोज भी करना है। नाउंस को आपको अंडरलाइन करना है, ये सेंटेंसेस में जो दिए गए हैं ये पूरा दिया गया है,
इसमें जिधर जिधर नाउन्स आए वो आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना था। जैसे देखो, पॉट, प्लांट्स, नेम, बेंच, नेबर, पीस, कबर्ड, सॉइल, सब नाउन है, तो इन सबको अंडरलाइन करना है। पर्सनल रिस्पॉन्स में देखो, वॉट वुड हैव बीन योर रिएक्शन इफ़ यू हैड बीन इन रेवतीज प्लेस एंड सीन समवन एल्सेस नेम ऑन योर पॉट और प्लांट्स। ये पूछा गया कि अगर आप उसकी जगह पे होते तो क्या करते, तो ये वो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे दिया गया, आई वुड हैव बीन फ्यूरियस, मुझे गुस्सा आता। आई वुड हैव गॉन अप टू द पर्सन हुज नेम वॉज, मैं उसके पास जाता जिसका ये प्लांट था, उस पर चिल्लाता या चिल्लाती और ट्राई करता कि जिसने भी वो लिया है वो चोरी जिसने किया है वो एडमिट करे, यानी एक्सेप्ट करे। आई वुड ऑल्सो हैव कम्प्लेन, मैं कंप्लेन करता ज़ोर से ऑर्गेनाइजर्स को, होपिंग, ये होप करता कि उसको शर्म आए और वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करे। ये अब यहाँ पे रिस्पॉन्स लिखा गया है, आप अपने तरीके से और भी अलग तरीके से रिस्पॉन्स लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो आप पोलाइटली बोल सकते हैं या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि ठीक है उसने ले लिया तो ठीक है, बाद में उसको बोलता, मतलब ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स है, आप जैसे देना चाहो। ठीक है, अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू अकरेंस इन द पैसेज। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, फॉलोइंग ये जो सेंटेंस दिए गए पैसेज में, ये आपको कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा वो बताना है। तो देखो, सबसे पहले आपका ये थर्ड वाला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिया गया है, रेती स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट रागा। फिर आपका आएगा फर्स्ट वाला, द ऑर्गेनाइजर्स वर स्टंड, सब आश्चर्यचकित हो गए, ये सारी चीज़ें। हाउ डिड रेवती प्रूव टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द कॉम्पिटिशन, कैसे रेवती ने प्रूव किया कि ये उसका है प्लांट। वही सेम चीज़ है, उसने अपने फेवरेट ट्यून बजाई, प्ले किया, प्लांट्स उसकी तरफ झुक गए। हर एज दो दे वॉन्टेड टू टच हर, ऐसा लगता था कि जैसे वो प्लांट्स उसको टच करना चाहते, इतना ज़्यादा झुक गए खुशी के मारे। दिस कन्विंस, इससे कन्विंस हो गए सारे ऑर्गेनाइजर्स कि ये प्लांट्स उसी का है, क्योंकि उसने बोला ना मेरे प्लांट्स म्यूजिक लवर्स हैं, मैं अपना फेवरेट ट्यून बजाऊंगी तो मेरी तरफ आ जाएंगे, तो प्रूफ भी हो गया। एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, तो यहाँ पे देखो नॉन फॉर्म में आपको लिखना है जो वर्ड्स देखें, डिजेक्टेड सो डिजेक्शन, फेवरेट तो फेवर या फेवरेटिज्म होगा, अपलॉडेड अपलॉज, सबमिटेड सबमिशन, नॉन फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख ही दिया गया है, गिव रीज़न, नो वन सस्पेक्टेड दैट द नेबर हैड स्टोलन द प्लांट्स, किसी ने शक नहीं किया कि उसके नेबर्स ने उसके प्लांट्स चोरी किए हैं। तो यहाँ पे देखो, इसलिए ऐसा बोला गया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि नेबर जो था वो रेगुलर पार्टिसिपेंट था, हमेशा ही वो पार्टिसिपेट करता था करती थी, तो उसको नहीं यह लगा कि तो हमेशा ही करती है, इसीलिए किसी ने भी उस पर सस्पेक्ट नहीं किया, किसी ने शक नहीं किया कि ऐसा हो भी सकता है करके। राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो यहाँ पे देखो दिया आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट से क्या हो गया आर्ग्यूमेंटेटिव, ठीक है एडजेक्टिव हो गया आर्ग्यूमेंटेटिव, फॉरगॉट फॉरगॉट फॉरगेटफुल या फॉरगेटेबल, रिस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिव, प्राउडली प्राउड। वॉट इज़ द हैप्पी एंड, यस तो इन द एंड द नेबर एडमिटेड दैट शी हैड स्टोलन द प्लांट्स, लास्ट में नेबर ने ये एडमिट किया कि उसी ने चुराया था, एंड दैट द प्लांट्स आर वर एक्चुअली रेवतीज, सच में ये रेवती के ही थे। द प्लांट्स गॉट द फर्स्ट प्राइज, प्लांट्स को फर्स्ट प्राइज मिला, सब ने ताली बजाई रेवती की डिस्कवरी के लिए। दस द एंड ऑफ द स्टोरीज अ हैप्पी वन, तो ये खुशी वाली ही थी। यहाँ पे देखिए, एक्टिविटीज बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल ग्रामर अंडर द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कुछ ग्रामर वाले क्वेश्चन से देख लेते हैं। शी फेल्ट वेरी रिजेक्टेड, यहाँ पे देखो दिया गया, तो ये वेरी क्या है, वेरी एडवर्ब है, और प्लांट्स बैक ये भी क्या है, एडवर्ब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो दिया गया, अंडरलाइन द कंजंक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आंसर देखो यहाँ पे दिया गया है। कंजंक्शन आपका यहाँ पे क्या है, वही सेम चीज़ जो आपको यहाँ पे ऐड करे सेंटेंस को, और सेंटेंस और फ्रेज को जोड़ने वाले, दो सेंटेंस दो फ्रेजेस को जोड़ने वाले जो वर्ड्स होते हैं वही कंजंक्शन होते हैं, जैसे एज दैट एंड ये सारे, और बाकी के आंसर्स यहाँ पे ये सारे ग्रामर से रिलेटेड है, तो देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, और आपको कोई भी वीडियो चाहिए इसी तरह से कमेंट में बताते जाइए, आपको सारे ही मैं प्रोवाइड करते जाऊँगी इसी तरीके से। अगर क्लियर नहीं है सो आपको पोलाइटली आपको बताना है कि नहीं क्लियर है, आपको रूड कमेंट्स नहीं करने हैं, क्योंकि टीचर्स हैं जो भी आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं, सो आपके रूड कमेंट्स नहीं
करने हैं आपको, ठीक है? प्रॉपर आपको जो भी प्रॉब्लम है आप अच्छे से कमेंट में बताइए, आपको क्या चाहिए, कौन सा वीडियो चाहिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप भी बताइए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये सारे ग्रामर के हैं। आपको करना ये है कि वर्ड रजिस्टर, जैसे देखो वर्ड रजिस्टर है, म्यूज़िक, म्यूज़िक से रिलेटेड जो जो भी चीज़ें हैं, जो जो भी आपको समझ में आते, म्यूज़िक से रिलेटेड रिदम है, ट्यून है, वायलिन है, रागा है, सब म्यूज़िक से रिलेटेड है। यूज़ द फ्रेज पुल्ड अप इन योर ओन सेंटेंस। पुल्ड अप ये जो दिया गया वर्ड फ्रेज, इसको क्या करना है, अपने सेंटेंस में इसको बनाना है, ठीक है? वॉचमैन वॉज पुल्ड अप फॉर स्लीपिंग वेन ही वॉज ऑन ड्यूटी, मतलब बहुत नींद, एकदम पुल नींद में खींचा जा रहा था जब वो ड्यूटी पे था। स्पॉट द एरर एंड करेक्ट द सेंटेंस। एरर आपको बताना है यहाँ पे, जैसे कि अब देखो फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स के साथ ये क्या हो गया, फ्रेंड्स के साथ वॉज लगाया है तो लगेगा क्या वॉज, नहीं क्योंकि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर तो है नहीं। फ्रेंड होता सिर्फ तो वॉज लगता, फ्रेंड्स है तो वेर लगेगा ना, ठीक है? यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है, मुझे कमेंट आया था कोई एक्टिविटी का कि मिस एक्टिविटी नहीं करवाया, इसमें क्या एक्टिविटी है? एक राइटिंग स्किल है जो बेस्ट प्लांट कंपटीशन पे है, और यहाँ पे आपको उसके बारे में ये बनाना है। तो आप जैसा दिया गया है एज इट इज़ नहीं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए यहाँ पर प्लांट्स है, तो अभी प्लांट्स अच्छे से बनाइए, ठीक है? और यहाँ पर आपको एक दिया गया है मेल, मेल यहाँ पर जैसे हमें लेटर लिखना होता है वैसे ही मेल भी होता है, बस जैसे मेल जीमेल में आपने देखा होगा कि पहले ऐसे फॉर्म होता है किसकी तरफ से है ये, ठीक है? अगर आप भेज रहे हो तो आपका फॉर्म में यहाँ पे आपका नाम आ जाता है, टू जिसको आप भेज रहे हो उसका हो जाता है, सब्जेक्ट आपको लिखना होता है, फिर आपको लेटर की तरह ये लिखना होता है, ठीक है? क्योंकि ये अपने पापा को लिख रही है तो ये हाय हेलो करके ही है, कुछ फॉर्मल तरीके से नहीं बात करना है यहाँ पर अगर आप लिख रहे हो, ठीक है? प्रोजेक्ट यहाँ पे दिया गया है प्लांट डिस्कस द इफेक्ट ऑफ म्यूज़िक, ये तो आपको नेट से ही मिल जाएगा। कुदरती हैज़ प्रूव्ड इन द एनी, ये तो हमने देखा ना कि उसी के प्लांट्स हैं तो उस पर डिस्कस करो, ये तो हमने देखा कि उसने कैसे प्रूव किया, ये तो आपको मिल जाएगा चैप्टर से, अभी जो पढ़ाया उसी में से। ये कितनी बार आया इस तरीके के आंसर, थोड़ा समझ के आप लिख सकते हो। रीड अबाउट जगदीश चंद्र बोस, ये आपको इनके बारे में पढ़ना है। प्लांट टू स्मॉल सिमिलर प्लांट्स, ये देखो आप अभी तो छोटे बच्चों वाला ये दिया गया है एक्टिविटी। दो पॉट में आपको दो पॉट में आपको प्लांट्स लगाने हैं, और एज दे ग्रो जैसे जैसे बढ़ते जाएँ, प्ले म्यूजिक एंड टॉक टू वन एंड इग्नोर द अदर। एक से क्या करना है, बातचीत करनी है एक प्लांट से, उसको म्यूजिक सुनानी है और एक को इग्नोर करना है, फिर उनमें इफेक्ट देखिए क्या इफेक्ट आ रहा है दोनों में, ये आप करके देख सकते हो। और यहाँ पर क्या है, ओरल टेस्ट है यहाँ पर, जो ये ओरल टेस्ट दिए गए हैं, जैसे 5 क्वेश्चन है यहाँ पर, वैसे तो अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे जो अभी मैंने आपको बताया, टेक्स्ट बुक में से मिल जाएगा। बट अगर आपको नहीं मिल रहा है या आपको ये चाहिए ही चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, वर्कबुक में ऐसे ही रहता है, इसको नहीं पूछा जाता, अगर पूछा भी जाता है तो हम टेक्स्ट बुक में से ढूंढ के लिखवा देते हैं बच्चों को, ठीक है? इसका आंसर नहीं दिया गया है, ओरल टेस्ट में नहीं दिया जाता है आंसर डाइजेस्ट में। तो देखो, डू यू एग्री दैट प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू म्यूज़िक, बस यस यस आई एग्री दैट प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू म्यूज़िक, इतना ही बोल देना है। हाँ, अगर मुझे लगता है यस, सो यस, सिर्फ यस या नो भी कर दोगे तब भी आंसर है आपका। डू यू एग्री, यस आई एग्री दैट प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू म्यूजिक, मैं एग्री करती हूँ इसलिए मैंने बोला एग्री। आप नहीं एग्री करते तो आप बोल दो नो आई डोंट एग्री दैट प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू म्यूजिक। डू यू थिंक दैट एनिमल्स एंड बर्ड्स शुड रिस्पॉन्ड टू म्यूजिक, अगर मुझे यस बोलना है मैं सिर्फ बोल दूंगी यस I think that animals and birds to respond to music. पूरा का पूरा आंसर वैसे ही लिख देना है, ओके? इसका मैंने क्या बताया, यस कर देना है, यस के बाद यू की जगह पे आए, और उसके बाद पूरा का पूरा ऐसे ही लिख के लास्ट में फुल स्टॉप लिख देना है, कर देना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे। इसका क्या है, इसका भी सेम चीज़, यू की जगह पे आए, आई थिंक दैट एनिमल्स एंड बर्ड्स टू रिस्पॉन्ड टू म्यूज़िक,
इसका भी मुझे फुल स्टॉप लास्ट में कर देना है क्वेश्चन मार्क हटा के, और कुछ नहीं इसमें, क्योंकि मुझे कमेंट्स आए कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए हैं करके, तो यही क्वेश्चन होंगे जो मैंने छोड़े होंगे, क्योंकि इसका आंसर नहीं रहता और वर्कबुक में भी मोस्ट ऑफ नहीं रहता। और मुझे लगता है कि अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, पूरा क्वेश्चन आंसर मैंने जो एक्सप्लेन किया अच्छे समझ लिया, या क्वेश्चन आंसर लर्न कर लिया, आप समझ गए, तो ये आप अपने से दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ यू स्कॉल्ड प्लांट्स, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है विल हैपन इफ यू स्कॉल्ड प्लांट्स, अगर आप प्लांट्स को डांटते हो तो आपको क्या लगता है। आई थिंक दे विल रिस्पॉन्ड, सो आई थिंक यहाँ पे अगर मुझे लगता है कि वो दुखी हो जाएंगे, सो मैं ऐसे लिख सकती हूँ आई थिंक दे फील सैड। ओके मैं लिख के बताती हूँ यहाँ पे, जैसे देखो मैंने लिखा I think they feel sad. ओके इस तरह से लिख देना है। वॉट विल यू डू, अच्छा यहाँ पे डू यू थिंक दैट प्लांट्स विल पेन लाइक वी डू, यस यहाँ पे यू की जगह पे यस कर देना, ये जो कुछ तो प्रॉब्लम है फोन हैंग हो रहा है, यू की जगह पे क्या हो जाएगा आई थिंक दैट प्लांट्स फील पेन लाइक वी डू, बस कुछ नहीं करना है। ओके यू की जगह पे बस यस कर देना है, यस आई थिंक दैट प्लांट्स विल फील पेन लाइक वी डू, जैसे हम पेन फील करते हैं वैसे ये भी पेन को फील करते हैं। वॉट विल यू डू इफ़ यू सी समवन इन योर लोकेलिटी कटिंग ट्रीज, अब ये आप ना ये आप आंसर इसका आप मुझे बताओ कमेंट में कि किस तरीके से इसका हो सकता है, कि अगर आप किसी को पेड़ कट करते हुए देखते हो अपने लोकेलिटी में अपने आसपास के एरिया में तो आप क्या करोगे, ये तो डिपेंड करता है आप पे। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो आई विल स्टॉप देम, ठीक है मैं उनको रोकूंगा, या फिर कंप्लेन करूँगा, अगर तो कंप्लेन करने के लिए आप बता सकते हो किस तरीके से, आई विल कंप्लेन इन द पुलिस स्टेशन और इन और जो पर्यावरण के लिए काम करते हैं उनसे, इस तरीके के आंसर्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या है। ओके यहाँ पे मैंने आपको ऐसे ओरली आंसर बता दिया है, और आप भी ओरली आंसर ऐसे ही लिख सकते हो, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके जो क्वेश्चन है उसको हटा के बस आपको यस कर देना है, और आई थिंक लगा के आपको आंसर लिख देना है। मैंने इसे बोला, आप इसे सुन के भी लिख सकते हो। ओके और यहाँ पे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है, और ये वर्ड प्ले है इसका मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आप चेक कर लीजिए वो मिल जाएगा आपको। ओके आपके मैथ्स के भी ऑलरेडी हैं सारे के सारे अपलोडेड हैं, तो आप चेक कीजिए। ओके